सड़क पर आइए, रोड शो में आइए, ये असली रोड शो है। बैठे हम जौनपुर के एक मैदान में है जहां पर दोनों नेताओं की संयुक्त सभा हो रही है। काफी भीड़ है। दिल्ली में जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस गठबंधन में ऊर्जा नहीं है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि मछली शहर और जौनपुर दो लोकसभा क्षेत्रों का ये चुनाव यहां पर हो रहा है, प्रचार हो रहा है। एक टी राम है जो मछली शहर सुरक्षित सीट से है और मिस्टर यादव है जो जौनपुर से उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ आते ही एक ऑर्डर बदल जाता है कि मायावती पहले बोल रही थी, अखिलेश बाद में बोल रहे हैं। अखिलेश ने एक बात बताई हेलीकॉप्टर में कि उनका भाषण जब अकेले होते हैं तो कुछ और होता है और मायावती जी होती हैं तो वो उस हिसाब से बदल भी जाता है। आप लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले यहाँ के उत्तर प्रदेश में, तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से यहाँ गरीब और बेरोजगार लोगों को अपने रोटी रोजी के लिए अपना आप लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ा है। परंतु जय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में खासकर इस देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में कानूनी अधिकार दिए थे, तो उनका भी पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजाद भारत में पहली सरकार में कानून मंत्री बने थे और जब उन्होंने ये महसूस किया कांग्रेस की हुकूमत में कि जो मैंने अपने लोगों को कानूनी अधिकार दिए हैं उसका लाभ मेरे लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है, तो तब फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के हितों में अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पूरे देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, अकलियतों को उन्होंने ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि मैंने भारतीय संविधान में तो आपको कानूनी अधिकार दिला दिए हैं, लेकिन आप लोगों को कानूनी अधिकारों का लाभ जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक आप लोगों के हाथों में केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी नहीं आ जाती। और इतना ही नहीं, इसके लिए बाबा साहब ने ये कहा था कि आप लोगों को फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी खुद बनानी होगी। तो फिर हमने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का भी गठन हुआ। ये पार्टियां भी सामने आई और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने काफी मौका दिया केंद्र में और राज्यों में भी और आपके उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वायदों के मुताबिक खड़ी नहीं उतरी। तब जाकर के हमें ये अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएस वादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन,
संप्रदाय वे पूंजीवादी सोच के चलते हुए देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व्यवधान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना। अच्छी बात यह है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने भी अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को भी काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है, और वैसे ये खुद भी इस चुनाव में काफी मेहनत से लगे हुए हैं। यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं, तो फिर आप लोगों को यह अपने बने इस गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है। ऐसा तो बहुत कम बार होता है कि जब मायावती मंच पर हूँ और वहाँ पर मीडिया को पूछने की अनुमति, इस पूरे चुनाव में उन्होंने टेलीविजन न्यूज चैनलों से एक दूरी बनाकर रखी। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि किसी प्रेम को भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन एक अंतर मैंने देखा कि जब संत कबीर नगर में अखिलेश यादव रैली कर रहे थे तो वहाँ वो सीधा बीजेपी पर हमला कर रहे थे, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन मायावती के भाषण देने का अंदाज अलग है। उनके भाषण की शुरुआत होती है कांग्रेस पर हमले होने से, और वो बहुत स्पष्टता के साथ गठबंधन की सरकार की बात करती हैं। इस बात को भी रेखांकित करती हैं कि इस चुनाव में अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस पर विशेष रूप से रेखांकित करती हैं। तो एक इनका जो भाषण है मायावती का वो अलग है, उसमें एक वैचारिक पृष्ठभूमि भी है जिसमें वो डॉक्टर अम्बेडकर के योगदानों की बात करते हैं, और ये भी बात वो करती हैं कि जो जो भत्ता देने की राजनीति है नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसानों को 2,000 रुपये या कांग्रेस की तरफ से 6,000 रुपये देने की जो बात है, उसकी जगह मायावती कहती हैं कि इसकी जगह हम स्थायी नौकरी देने की बात करते हैं, ये बड़ी बात है। मायावती इसी तरह से भाषण देती हैं कि वो क्रम से चलती हैं, पहले अपना मुख्य शत्रु पहचानती हैं, फिर ऐसा नहीं कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वो बराबर से निशाने पर लेती हैं। लेकिन उनका कोई भी भाषण डॉक्टर अंबेडकर के जिक्र के बगैर पूरा नहीं होता है, तो वो अपनी विचारधारा और वैचारिक कड़ी जो है वो साफ साफ पकड़ कर रखना चाहती है। तो ये जो मंच है ये साझा रैली का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत जमाने के बाद ऐसा दृश्य देख रही है कि जहाँ जो रंग है वो हर तरह के हैं, इसमें बसपा का भी रंग है, इस पे सपा का भी रंग है। तो नीचे जाइए तो जय 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 भीम के साथ साथ जय 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 अखिलेश भी लग रहा है, झंडे बदल गए हैं। तो नीचे जिस तरह से बाहर से हमें बताया गया कि ये गठबंधन उतना घुला मिला नहीं है, इनकी रैलियों में आकर लगता है कि काफ़ी घुला मिला है। इस वक्त जब 3 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे फ़ोन पे जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके बाद भी जो लोग हैं यहाँ पर वो जमे हुए हैं, एक तरह से 40-42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यहाँ पर तापमान है। विचारों का संगम है जो कभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर रामलाल लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे। समय और परिस्थिति ने नहीं मौका दिया, फिर दोबारा मनमोहन काशीराम जी और नेताजी ने मिलकर के काम किया, और हमें खुशी है कि आज हमारी बहन मायावती जी और समाजवादी पार्टी मिलकर के ये देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम कर रही है।
अगर आप जौनपुर की इस संयुक्त सभा से मायावती और अखिलेश के भाषणों का अर्थ निकालें तो दोनों के भाषण मिलकर अपनी एक नई जमीन बनाए। मायावती जहां पर स्पष्टता के साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को निशाना बनाती है, अखिलेश यादव एकदम साफ साफ शब्दों में बल्कि उसी स्टाइल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी समा बांधते हैं, अखिलेश यादव समा बांधते हुए तरह तरह से सवाल पूछते हुए हमले कर रहे हैं। जो ज्वाइंट रैली है उसका देखिए कि जो शामियाना है इन लोगों के रुकने का, उसका भी रंग बदल गया है, सपा बसपा का रंग हो गया है। तो रंग मिल गए हैं इनके और नारे भी। अभी जो आप देख रहे हैं वो मायावती अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मिल रही हैं, अभी अखिलेश यादव मिलकर गए हैं। और इस वक्त मायावती ने यही कहा कि वो मीडिया से बात नहीं कर रही हैं। बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उनका भरोसा मीडिया में कुछ कम हुआ है, तो वो इससे पहले वो नतीजे का इंतजार कर लेना चाहती हैं। तो आपको लगता है कि नीचे के ये कार्यकर्ताओं का मिलन है ज्यादा ये पार्टी से है? एकदम बहुत भावनात्मक मिलन है, भावनात्मक है। यस, एक चीज मैंने देखा कि रैली तो आप लोगों की है सपा बसपा की, लेकिन वो राहुल गांधी वाला नारा यहाँ लग रहा था, चौकीदार चोर है। चूंकि पब्लिक के दिमाग में जो बात है उसको तो हम निकाल नहीं पाएंगे, जो है किसी भी से। चोर भर जी, गया। जी 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 जी, ये पब्लिक के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में ये पूरे पूर्ण रूप से उसके दिल और दिमाग में पूरी बॉडी में समाहित हो चुका है, चौकीदार चोर है जो है। दो विचारधाराओं का मिलन है, जो दिलों का मिलन है। ये जो मिलन है ये नीचे से बहुत ऊपर गया हुआ है सर, और ऊपर से नीचे नहीं आया। नहीं सर, ये नीचे से ये कार्यकर्ताओं की आवाज है, जो दोनों नेताओं ने समझा, ये सीधे सीधे 85% के लोगों के हृदय की आवाज है। इसलिए सर ये मिलन मजबूत रहेगा सर। और आप लोग नीचे नीचे कैसे एकता बन गई? नीचे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और प्रताड़ना से हम लोग उग गए। हम लोगों ने दोनों प्रताड़ित हो रहे थे, तीन प्रताड़ित हो रहे हैं, तीन प्रताड़ित हो रहे हैं, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी जो प्रताड़ित है आज के समय। वो प्रताड़ना इस गठबंधन का आधार बन रही है, आधार बना, संविधान बचाने का भी आधार है, संविधान बचाने का भी आधार है।